बट नेचुरल वे में अगर मैं देखूं तो किसी की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं थी। आप उस चीज की हिम्मत रखते, उस सच्चाई को उनके सामने रखने की, तो उनके लाइफ में क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, वो हमें नहीं पता। अपने हस्बैंड की ही बातें अगर वो किसी को शेयर करनी पड़े तो कोई ऐसा भरोसेमंद लायक वो दोस्त भी होना चाहिए। अच्छा, घर के अंदर जी आपने ये भी देखा, जिस तरह से बॉन्डिंग की अगर बात है तो सारा की बॉन्डिंग पहले हमें किसी और के साथ दिखाई दी थी, जो घर में है, जो काफी ज्यादा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, लेकिन जब से अली घर में आया है तब से एक अलग पूरा माहौल बदल गया है, और उन दोनों के झगड़े खत्म होने के नाम नहीं, उनके जो मिसाइल है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये क्या है? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये किसी की बॉन्डिंग होगी। अगर हो भी गई तो वो मुझे लगता है शायद कैमरे के लिए ही हो। बट नेचुरल वे में अगर मैं देखूं तो किसी की किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं थी, चाहे वो शिवम की लेके सारा को हो, चाहे वो अली की लेके सारा को हो। तो उनकी बॉन्डिंग रियल में अगर देखें तो अलग अलग है। आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा आपकी बॉन्डिंग निशा के साथ ज्यादा थी, तो रिसेंटली उन्होंने जी जो अपना सीक्रेट रिवील किया उसके बाद से तरह तरह की बातें हो रही है। उन्होंने अपने मैरिज के अलावा जो उन्होंने कहा कि वो एक और किसी अपने फ्रेंड से अट्रैक्टेड थी, तो आपको इस तरह की चीजें तब समझ में आई जब आपके सामने ये बात आई, तो आप किस तरह से उसे देखती हैं? क्योंकि एज अ फ्रेंड आप समझ सकते हैं, लेकिन जो व्यूअर्स होते हैं वो कुछ अलग, उसे कुछ पॉजिटिव में लेने लगते हैं, कभी उसे नेगेटिव में लेने लगते हैं, तो आपका क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है और कैसे देखना चाहिए इसे व्यूअर्स को? व्यूवर्स को देखिए, उसकी पर्सनल लाइफ है और उन्होंने जो बोला, जो अगर वैसा है और वैसा किया है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उसने जो भी हुआ उसने सच्चाई के साथ अपने हस्बैंड के साथ वो बातें शेयर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज की हिम्मत रखते, उस सच्चाई को उनके सामने रखने की। अगर आपने कुछ गलत भी किया है तो उस गलती को एक्सेप्ट करने में भी आप झिझके ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी लाइफ में क्या हुआ है, आगे क्या हुआ है, पीछे क्या हुआ है, वो हमें नहीं पता। हमें जस्ट उतना ही पता है जितना हमने सुना है और जितना उन्होंने बताया। लेकिन क्यों किया, कैसे किया, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दी है कि क्यों किया उन्होंने। अगर लाइफ में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उनके लाइफ में है, और अपने हस्बैंड की ही बातें अगर वो किसी को शेयर करनी पड़े तो कोई ऐसा भरोसेमंद लायक वो दोस्त भी होना चाहिए, जिस पे आप भरोसा कर सके और उन तक ही वो बातें रह सकें। ओके, लास्टली एक मैसेज जो सभी व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि काफी सपोर्ट किया, काफी प्यार भी दे रहे थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके बोलने से वो ज्यादा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमेशा आपको देखने के लिए उतने ज्यादा ही बेकर आ रहे थे, तो मैं क्या अपने फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें सम्मान सम्मान दिया है, और इस लोकअप के दौरान भी आप लोगों ने ओबियसली बेखूबी के साथ आप लोगों ने प्यार सम्मान दिया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई मेरे से कोई गलती रही हो, कोई मिस्टेक रही हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और जो मैं हूँ ओरिजिनल में वैसी रहने की कोशिश की। जो आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है शायद आप लोगों को रियल ना देखे, थोड़ी सी फेकनेस आपको हो सकता है चाहिए होगी, जो मैं नहीं कर पाई और नहीं दिखा पाई हो। लेकिन अगर एक हफ्ते और रह जाती तो शायद वो रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता।